अजय बाबूजी, उनका दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा के देह में विलीन होने के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाने का मतलब क्या है? देखो, हाँ, और आत्मा को क्या महसूस होता है विलीन के बाद? देखो, पहला तो बोला कि आत्मा अजर और अविनाशी है, बराबर, ठीक सही है। बात आत्मा का, देखो, है। आत्मा का भी एक टाइम होता है, कोई परमानेंटली आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं होते। ओहो, हाँ, एक बात बताऊं, ओके जब ब्रह्मांड का शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, जी, तो महाकल्प प्रलय में क्या होता है, हाँ महाकल्प प्रलय में, जी, अर्ध प्रलय की बात नहीं कर रहा, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, मैं महाकल्प प्रलय की बात करता हूं। ओके तो महाकल्प प्रलय में जब शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, तो सूर्य में प्रवेश कर लेते हैं, और जब सूर्य में प्रवेश करते हैं, तो काल अग्नि पैदा करते हैं। क्या करते हैं? काल अग्नि काल पैदा। माना समय, समय के सबका खत्म हो जाए, आत्माओं का समय खत्म हो गया, जैसे जैसे बाबू, सर्जन किया जाए, ऐसे विसर्जन कर लेते हैं। तो विसर्जन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? आत्मा का विसर्जन हो गया, आत्मा का विसर्जन, समझ में आए? तो वो ब्लैक काल अग्नि में जलाकर, जो आज ब्लैक होल कहते हैं ना, तो हाँ ब्लैक होल में तो मतलब काल अग्नि में तो कोई आत्मा बचेगी नहीं ना, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। बाबूजी, जैसे आपने एक बार बोला था कि देवताओं की जो आयु है वो ब्रह्मा का एक दिन है। मगर उसमें ये बताया है, मैं देखो एक बात बताऊं, प्रलय जी कितने प्रकार के, अर्ध प्रलय होता है 4 युग पूरा होने पर। जी जब 43,20,000 का 4 युग का युगांतर होता है, जी तब जब प्रलय होता है, जी तो बुरी आत्मा, मनुष्य मर जाते हैं, जी तो मनुष्य मर जाते, तो उसकी आत्मा तो सूक्ष्म में ऊपर चली जाती है, दूसरे लोक में या तीसरे लोक में या कहीं ऊपर चली जाती है, ओके हाँ तो आत्माओं का विनाश नहीं होता अर्ध प्रलय में। हाँ प्रलय में भी जब मनुष्य आत्मा होता है, पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है, मगर वो आत्माओं का विनाश नहीं होता, वो आत्माएं ऊपर दूसरे लोक में या ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती है, ओके फिर नीचे जब धरती पर मनुष्य अवतार धारण करके फिर बाद में आती है, मगर आत्माओं का विनाश नहीं हुआ अर्ध प्रलय प्रलय में। कल्प प्रलय में भी आत्माओं का विनाश नहीं होता, एक बात समझ लो। आत्माओं, जो आत्मा, जो देवताओं की आत्मा है, वो आत्मा, वो जब कल्प प्रलय में भी जो विष्णु 12 सूर्य की गर्मी पैदा करके उसके शरीर को जला देते हैं, स्थूल चीजों को जला देते हैं, तब आत्मा पूरी जलती नहीं है, हाँ आत्मा ऊपर चली जाती, चौथे लोक में या उसके ऊपर चली जाती, बराबर, इसलिए कल्प प्रलय में आत्मा का विनाश नहीं होता, मगर ओके वो देवताओं का आयुष में बताया था, देवता तो जी। जलकर खत्म हो गया ना। अब देखो, इसी से जुड़ा हुआ उनका तीसरा प्रश्न है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो महाकल्प प्रलय के बाद सारी आत्मा कहाँ खत्म हो जाती है? तो वही तो कहता हूं, जी जब भगवान शिव जो होता है, इस जी ब्रह्मांड का मालिक है, आज भी देखो, आप जो ब्रह्मांड को बने हुए 50 साल हुआ, तो जी ब्रह्मांडों की हालत क्या है, हमारे गैलेक्सी के ब्रह्मांडों की हालत क्या है, कि वहां कई ब्रह्मांड तो ऐसे हैं, कई जैसे सूर्य है, वो ब्लैक, बहुत सूर्य ये हमारी गैलेक्सी के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं ब्लैक होल बन के। और दूसरे जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में जब ब्रह्मांड बना था, तो ब्रह्मा का एक प्रकार, मतलब 1 लाइट ईयर्स का ब्रह्मांड था, शिव ने बनाया था, तब शिव में जब फुल फोर्स में पावर थी, तब वो 1 1 लाइट ईयर्स माना 94 खरब किलोमीटर का डायमीटर, रेडियस था, डायमीटर तो 188 होता है, 188 खरब किलोमीटर का था, मगर अभी तो ये सब नीचे आ गए, सब नीचे आ गए, तो सब देवता भी मनुष्य बन गए, सब शिव भी नीचे आ जाता है, परमधाम भी नीचे आ जाता है। तो हमारा ये शास्त्रों में लिखी बातें सुनो, तो हमारा ब्रह्मांड आज कम से कम 500-700 करोड़ किलोमीटर तक ही सिमटा हुआ है, इससे आगे नहीं, सूर्य की ग्रेविटी तो बहुत ऊपर है। तो दूसरे ब्रह्मांडों में भी ये जो मनुष्य भी नहीं रहे, कीड़े मकोड़े बन गए हैं, दूसरे सोलर सिस्टम देखो आप, कई सोलर सिस्टम में मनुष्य भी नहीं है अभी, तो जो वहां जो भी आत्माएं थी वो सब कीड़े मकोड़े बन गए, आधे से ज्यादा। तो केवल हम, ये आत्माओं का विनाश कब होता है, यही बात है ना, कि आत्मा कब खत्म होती है, आत्मा को कह दिया अजर अमर अविनाशी है, तो तो आत्मा की आत्मा भी, को एक ही डेफिनेशन बताई कि मुक्ति हो जाती है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मुक्ति माना अस्तित्व खत्म, तो मुक्ति माना आत्मा का विनाश, मुक्ति माना आत्मा का विनाश। मगर महाकल प्रलय में तो जब शिव महाकाल अग्नि पैदा करता है, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है, जी तो सारा ब्रह्मांड जला के भस्म कर देता है, तो ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं होती है वो सब जलकर भस्म हो जाती है, आत्मा का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है सर महाकल प्रलय में, समझ में। जी और फिर जब सूर्य का भाई दोबारा, फिर जब ब्रह्मांड को रचना होता है, तो शिव के पास पावर नहीं है तो कैसे रचेगा,
तो वो ब्लैक होल बन के अंतरिक्ष में पड़ा रहेगा और वो चारों ओर गैलेक्सी में घूमता रहेगा। ये आज बहुत साइंस वाले भी कह रहे हैं बहुत ब्लैक होल अंतरिक्ष में घूम रहे हैं हमारे गैलेक्सी के। ऐसी तरह यूनिवर्स में भी बहुत गैलेक्सी के महा महा ब्लैक होल घूम रहे हैं, महाशिव भी ब्लैक होल बन के घूम रहे हैं। इसलिए जब महाशिव भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है तो जितनी ब्रह्मांड की आत्माएं सब तो शिव में समा गई और महाशिव में भी सारे शिव समा गए तो शिव का भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब शिव महाशिव में समा जाता है तो शिव का भी विलन हो जाता है, शिव की आत्मा खत्म हो गई। और महाशिव का भी ऐसा होता है जब यूनिवर्स खत्म होता है, परम महाशिव होता है जब यूनिवर्स में टाइम नहीं पावर नहीं रहती परम महाशिव में, तभी पूरी गैलेक्सियों को वो अपने अंदर समा लेता है। जो हमारे दूसरे जो मल्टीवर्स हैं, हमारे क्लस्टर ऑफ मल्टीवर्स हैं जी, इसमें खरबों मल्टीवर्स का एक क्लस्टर है, ऐसी तरह दूसरा एक क्लस्टर है मल्टीवर्स का जी, उसके अंदर कईयों ने गैलेक्सियों को यूनिवर्स को भी समाप्त करते, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स समाप्त करते बैठे होंगे। जो एक क्रिएटर होता है जैसे परम महाशिव है तो महाशिव का क्रिएटर है, गैलेक्सियों का क्रिएटर है। तो जब परम महाशिव में पावर नहीं रोती तो वो भी महाशिवों को अपने रोम रोम में समा लेता है जी। और वो जब परम महाशिवों में पावर नहीं होती जी, तो वो भी यूनिवर्स को भी अपने रोम रोम में समा,